नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कपिल मिश्रा के मुंह पर मूतने वाले को 125 का इनाम क्या रखा? उसके जैसे जितने भी चमन चूतिए हैं ना, उनके पिछवाड़े पेट्रोल लग गया और फड़फड़ फड़फड़ चालू हो गया। अभी कपिल मिश्रा के पिछवाड़े तो दम है ही नहीं कि बात कर सके, तो भाई साहब ने अपनी बहन को आगे कर दिया है। रागिनी तिवारी, अभी कुछ दिन पहले वो भड़वा आया था, उपदेश राणा चैलेंज किया था, दिल्ली आके दिखा, गया 3 दिन रखा, वहां पे रुआ, कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो अभी ये नई मोहतरमा आई है, जरा सुनिए क्या कह रही है। और मैं आज लूंगा तेरी बेटा, तू रुक, तेरी आज नंबर है, तू जरा पहले सुन लीजिए आप लोग इस भड़वी ने बोला क्या है। हे भारत के सनातनियों, विनय दुबे जो नीच हरकत कठमुल्ला का पैदाइश किया है, अरे विनय दुबे, दुबे लगा लेने से चाणक्य कोई नहीं बनेगा, और तुम चाणक्य का पुत्र नहीं बन सकते हो। तो पहले से ही मुझे शंका था जो तुम किसी कटे पिटे के ही औलाद हो। जूता खोल के मारूंगी जो देश में साजिश कर रहे हो तुम, और किसान आंदोलन में तुम लोग की जो झूठी फर्जी किसान आंदोलन में फंडिंग हो रही है, जूता खोल के मारेंगे कभी तुम मिल जाओ। हे भारत के राष्ट्रवादी और सनातनियों, विनय दुबे जैसे नीच जो सरकार एक हमारे प्रधानमंत्री का पुतला दहन करता है, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और कभी जीवन में मिल गए जूता खोल के मारूंगी कठमुल्ले की औलाद। आ मेला बाबू, किधर है तू? मैं तो सोचा दिल्ली का जो किसान में रास्ता जाम किया ना, वो खाली कराने आएगी तू, वो तेरा भड़वा भाई कपिल मिश्रा किधर भाग गई? सब खोज रहे थे तेरे को, आओ रास्ता खाली कराओ, मोटे मोटे लठ चढ़ाओ। देखा हम लोगों ने, तेरी औकात पता चल गई है कितनी बड़ी तू शेर है। और भूतनी की एक बात बता, तेरे पिछवाड़े इतना दम है, तू चप्पल मारेगी? तारीख बता, समय बता, विनय दुबे दिल्ली में मिलेगा, और नहीं कर पाई तो 10 बाप की। बोल मंजूर है? तेरा एक भड़वा भाई था उपदेश, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज करता था, मुंबई से बाहर निकल, ये कर वो कर, बाकायदा वीडियो बना के दिया था उसको, कुछ ने उखाड़ पाया। ये पता है क्या नहीं उखाड़ पाया? कुछ बता तो देखो, ये तो दिख रहा है ना, ये भी नहीं उखाड़ पाया वो राणा। अभी तू आ गया, और तुझे कैसे पता मेरा बाप कठमुल्ला था? केला देखा था क्या तुझे? ऐसा बोलती है जैसे पूरा केले का मेजरमेंट तूने ही लिया था। पूरा है कि नहीं? और जिसको भी, जिस भी भोसड़ी वाले को और भड़वो को ना ये शंका है कि विनय दुबे हिंदू नहीं है मुसलमान है, तो आ जावे मेरे पास, मैं अपना उसके हाथ में दे देता हूँ पूरा दस्तावेज। मैं क्यों दस्तावेज की बात कर रहा हूँ, कुछ गलत मत लीजिएगा। जो भी भड़वे को ये विश्वास नहीं है ना कि विनय दुबे हिंदू है कि मुसलमान है, आ जावे मैं उसको ना अपना हाथ में ही दे देता हूँ। अच्छे से देख लो ऊपर नीचे दाएं बाएं करके दस्तावेज, अपना तसल्ली कर लो भाई। हिंदू खून है लेकिन मर्द है, गुलाम हुई वाला सिस्टम नहीं है अपने यहाँ पे। अपन किसी नरेंद्र मोदी और शाह का ये दलाली और तलवे नहीं चाटता है, असली हिंदू कौन है, इसके लिए न्याय के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा। और रागिनी एक बात बता बेटा, तेरे अमित शाह में इतना दम नहीं है क्या कार्रवाई करे? तुम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है कि इस पे कार्रवाई करो उस पे कार्रवाई करो, क्यों अपने सरकार की नाक कटाते रहते हो घूम घूम के? तुम्हारा भीख मांगने से पता चलता है कि तुम्हारे सरकार की कितनी औकात है, तुम्हारे सरकार के गांड में दम है ना, तो बोलो ना वो किसान आंदोलन खाली करा ले। अमित शाह को बोलो, गृह मंत्री है ना अभी, तो बहुमत है तुम्हारे पास, उखाड़ लो ना किसानों का, पहुंचो तो सही, किसान भी हल लेके बैठे तेल लगा के, सीधा पिछवाड़े में घुसाएंगे और खेती जोत डालेंगे तुम्हारी। और रागिनी एक बात सुन ले, तू जितनी बड़ी शेर है ना दुनिया ने देखा है, अभी अभी जेल से आई है, थोड़ा घर पे दे दे, बच्चों लोग को ध्यान दे, पति उति पे ध्यान दे, ये सब छोड़, कोई नहीं आता बचाने, गई थी ना जेल में, कौन आया था? और तेरे को जो मेरा उखाड़ सकती है ना उखाड़ ले, और तेरे जितने चमन चूके जितने भी है ना सबको एक चैलेंज है, जो मेरा जो उखाड़ सकते हो ना उखाड़ लो, खुला ओपन बता रहा हूँ, वापस दिल्ली आऊंगा। और एक सूचना आप तमाम लोगों को देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र से भी किसान जो जा रहे हैं वहाँ पे, अन्य राज्यों से भी किसान जो दिल्ली आंदोलन किसान में जा रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम जैसे लोगों का समर्थन है और पूरा व्यवस्था हम लोग करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपने किसान भाइयों के लिए 1 लाख रुपए, जो मेरी हैसियत है, 1 लाख रुपए का अनुदान मैं अभी
दो चार दिनों के अंदर किसान आंदोलन में वापस पहुंचूंगा और वहां पे जाके किसान जो समिति है जो किसान भाइयों के लिए काम कर रही है वहां पे सिंगू बॉर्डर पे जाके वो 1,00,000 रुपए नगद या चेक में वहां पे मैं अपने किसान भाइयों की मेहनत के लिए दूंगा। और ये मेरी तरफ से एक समर्पण है, एक मेरी तरफ से एक योगदान है इस ये जो यज्ञ चल रहा है देश की बर्बादी रोकने के लिए, उसमें मेरा छोटी सी आहुति छोटा सा योगदान है। अगर आप तमाम लोगों को भी इसमें मदद करनी है किसान आंदोलन में, तो आप लोग चलिए वहां पे, खुद से जाइए और लोगों की मदद करिए, खाना खिलाइए, बिस्किटें बांटिए, लोगों को अगर किसी की तकलीफ है तो उसको दूर करिए। तमाम लोगों से मेरी निवेदन है, किसी का इंतजार मत करिए। किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे भगवान है। आज वो तकलीफ में है तो ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनका साथ दे। बस इतना ध्यान रखिए कि कोई किसान का पेट भूखा ना रह जाए, कोई किसान भाई वहां पे तकलीफ में ना सोए। वो हमारी जिम्मेदारी, इस भारत की जिम्मेदारी, हर एक भारतीय की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अनाज खाते हैं। इन जैसे रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा और वो बड़वा देश के जैसे ना गू नहीं खाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप किसान भाइयों के साथ हैं तो वहां पे जाएं, लोगों की सेवा करें, मदद करें। और अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप हमें योगदान भेज सकते हैं, हम लोग वो पैसा वो राशि वहां पे पहुंचा के उन लोगों को, उन किसान भाइयों को मदद करेंगे। स्वेच्छा का विषय है। अगर आप, मैं तो कहूंगा सबसे पहले कि आप खुद जाके वहां पे मदद करें। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपकी यथाशक्ति नहीं है वहां तक पहुंचने की, तो आप योगदान भेज सकते हैं। आपका जो योगदान है वो मजदूर और किसान भाइयों तक